कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20 व 21। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बहुत क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर भगवान शंकर के बाणों को काटने लगा, लेकिन जब नहीं काट सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण करके अपने रथ से बांध दिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर व्याकुल हो उठे। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका। सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बहुत धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया। तुम युद्ध से भागते हो और भागते को मारना पाप है, इससे मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा, किंतु तुमको गौरी अवश्य मारेंगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकल करके शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व प्रसन्न हो गए। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शिव की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शिव जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण किया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वे वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यशगान करते हुए सभी देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है, सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ावेगा, वह यहाँ पर सभी सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद को पावेगा। तो ये था अध्याय 20 व 21। नमो नारायण।